लेकर एक और बेहद बड़ी खबर आई है। खबर ये आई है कि शाहरुख खान के लाडले आर्यन, जिन्हें 26 तारीख को हाईकोर्ट में बेल की दलीलें पेश करनी है, यानी कि छठी बार पेश करनी, क्योंकि 5 बार बेल आर्यन खान का रिजेक्ट कर दिया गया है। अब छठी बार बेल रिजेक्ट ना हो इसके लिए तैयारियां जबरदस्त की गई है। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि आर्यन खान को जो है जेल से रिहाई मिल जाए, आर्यन खान बेल के जरिए जेल से बाहर हो जाए, इसके लिए आर्यन खान पर 25 करोड़ रुपये लगाकर डील करने की बात हुई। जी हाँ, 25 करोड़ की डील हुई है, ये खुलासे हुए हैं। इससे जुड़ा एक बड़े अखबार ने खबर छापी है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे। आपको हैरानी होगी, लेकिन शाहरुख के बेटे आर्यन को लेकर ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। मुंबई ड्रग बस्ट केस के एलिगेशंस लगातार जारी है आर्यन खान पर। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ की डिमांड की थी आर्यन खान को बेल देने की दिलाने के लिए, और जिसे अरेस्ट भी उन्होंने कराया ये कहा जा रहा है। और ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि एफिडेविट जो आया है इसमें प्रभाकर सेल ने किया है खुलासा, क्योंकि एनसीबी के विटनेस केपी गोसावी के बॉडीगार्ड माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा गोसावी जो कि डिमांड कर चुके हैं समीर वानखेड़े की तरफ से 25 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ आर्यन को बेल दिलाने के लिए, उन्हें जेल से बाहर करने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से रिपोर्ट।